फैक्ट्री की जो इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल वो जो है बाहर जो है वापसी की जो पाइप होती है उसके अंदर से जो है बाहर नहीं आने देता, जिससे इंजन का जो नीचे का जो मुगलेल का जो लेवल है वो वही मेंटेन होता है, उसमें जो है कोई तेज बदल नहीं होने देता, जिससे आपके इंजन में कोई शिकायत नहीं आती। तो बोल अब जो है जमींदार से भी मिलवाते हैं, डीलर साहब से मिलवाते हैं। डीलर साहब राम राम। राम राम भाई, क्या नाम है जी आपका? आप, मेरा नाम अंकित नरवाल है। अंकित नरवाल, ये ट्रैक्टर जो है कौन सी कंपनी का, कौन सा मॉडल ट्रैक्टर? यू ट्रैक्टर है भाई, जॉन डियर का 5563 HP का यू ट्रैक्टर है। ठीक है जी, और ये HPCR मॉडल है। HPCR मॉडल है। HPCR का मान लो ट्रम फॉर हाई प्रेशर कॉमन रेल। अच्छा, हाँ जी, जिसको आप बोल देते हो ये CRD बोल देते हैं। इसका नाम है जी HPCR। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो है अलग बात क्या है, खास बात क्या है इस ट्रैक्टर के अंदर जी? देखो, एक तो इस ट्रैक्टर की लंबाई कर दी कंपनी ने, लंबाई पहले वाले ट्रैक्टर से ज्यादा है। ज्यादा है जी, आपके शो देख लो, इसकी 6D कूलिंग भी दे रखी है। 6D कूलिंग दे रखी है, जैसे आगे से भी साइड से भी जो है ये कूलिंग एक तरीके से ज्यादा हवा रेडिएटर पे जाएगी, जिससे आपका ट्रैक्टर जो लोड में गर्माएगा। और एक ये EGR सिस्टम और बता रहे थे इसका। हाँ जी, ये इसका EGR सिस्टम है, इसमें पानी भी चलता है साथ के साथ, जो गैस को खत्म कर देता है, पोल्यूशन नहीं होने देता ये। अच्छा, हाँ। और जो है इसमें ये सामने वाटर सेपरेटर के लिए जो है अलग से फिल्टर आने लग गया भाई, और ये जो है डीजल वाला फिल्टर है। और ये इसका सेंसर है, अगर इसमें पानी आ जाएगा तो ये सेंसर आपको मीटर में ब्लिंकिंग शो कर देगा भाई ट्रैक्टर के डीजल में पानी है। और एक क्रैंक में भी जो है इसके ये सेंसर आने लग गया। हाँ जी, एक इसका क्रैंक में भी देखो, यहाँ सेंसर मिलेगा, आपने अंदर सेंसर दे रखा है, शायद यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा, पतली साइड दिखाई देगा वो। हाँ। सेंसर ये काम करता है, अगर मान लो कोई इंजन में दिक्कत आ जाए, इनमें क्रैंक में दिक्कत आ गई, तो मिस्त्री सारे इंजन में पार्ट बगाओगा, इसमें इंजन में दिक्कत है, इसमें ये है, तो इसमें वो करना नहीं पड़ेगा, इसमें सीधा क्रैंक में ही आ जाएगा मिस्त्री, यार भाई क्रैंक में दिक्कत है ना कि इंजन के स्लो पिस्टन में दिक्कत है। मतलब ज्यादा एक तरीके से जैसे जो बीमारी होगी तो एक तरीके से डायरेक्ट बीमारी पे ही वार होगा। हाँ, जैसे कि सीटी स्कैन में पता चल जाएगा भाई ये इस जगह भैया दिक्कत है, तो इसका सेंसर भी उसको पता चल जाएगा मीटर में भैया दिक्कत है, एक प्रकार का सीटी स्कैन लगाएगी। सीटी स्कैन है 63 HP का, कितने 3 सिलेंडर जो है ये? हाँ जी, 63 HP का जी, 3 सिलेंडर जी, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है। और क्या खास बात है, जैसे CRD टेक्नोलॉजी आ गई, इसके अंदर जो है कहते हैं कि बटन आ गया, जिससे इकोनॉमिकल मोड में चलाना है, लोड में चलाना है। हाँ, एक तो जी इसमें इकोनॉमी मोड है, एक स्टैंडर्ड मोड है। इकोनॉमी मोड में जी यू ट्रैक्टर 58 HP के आसपास में चलेगा। 58 HP का हो जाएगा। हाँ, 63 HP वाला 58 का हो जाएगा। 58 का हो जाएगा जी। और मान लो स्टैंडर्ड HP में जी यू चलेगा 63 HP की, जो इसकी पूरी ताकत है। दूसरी चीज, अभी मेरे को भी वो बात कन्फर्म होगी, जो PTO अपर रैपर पे ट्रैक्टर चल रहा है, अपर ने नहीं पता कि भाई 1600 RPM पे पीछे कितने चक्कर ट्रैक्टर निकाल रहा है, तो अपना मीटर में प्रति मिनट का ये मीटर में शो कर देगा, ये बटन इसीलिए दे रखा है, अगर मैं प्रति मिनट का ये बता देगा कितने वो PTO पर वो निकल रही है पीछे, HP नहीं, चक्कर कितने निकल रहे, RPM कितने चल रहे हैं, कितने RPM पर कितने चक्कर पीछे PTO निकाल रही है। लेकिन वो तो पीछे कोई इम्प्लीमेंट होगा, इम्प्लीमेंट होगा जब पता चलेगा, वैसे पता नहीं, वैसे नहीं पता चलेगा, कोई इम्प्लीमेंट जुड़ा होगा, जैसे रोटावेटर है, सुपर सीटर है या रैपर है, रैपर है, उसमें जब ट्रैक्टर लोड में चल रहा होगा तभी जो पता चल जाएगा। थोड़ा जमींदार से और फीडबैक लेते हैं कि जमींदार ने, नमस्कार भाई साहब, ये ट्रैक्टर आपने कब लिया था? 9 महीने में लिया था। 9 महीने 2022 में लिया था। कैसे, क्या रिस्पांस है ट्रैक्टर का? ट्रैक्टर बढ़िया रिस्पांस है। तेल वगैरह में देखे हैं, खिंचाई में देखे हैं, और जैसे CRD से लोग डरते हैं, तो क्या डरने की जरूरत है? हमारे तो कोई दिक्कत आई नहीं अब तक, हर एक चीज में चला भी लिया, पानी में चला लिया, सूखा में चला लिया, मिट्टी में चला लिया, रफ टफ चलाया बिल्कुल। और क्या कहना चाहोगे जमींदारों से कि जो है ये लेना चाहिए? ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है। जैसे डीजल एवरेज की बात करें, डीजल एवरेज बहुत बढ़िया, मतलब पहले के मुकाबले जो ट्रैक्टर आते थे, सिंपल ट्रैक्टर था, और इसमें जैसे इकोनॉमी मोड आ गई, इसमें फर्क होता है, कम लेता है डीजल, कम लेता। वैसे डरने की कोई जरूरत नहीं भाई, किसान भाइयों को जो है इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर किसी किसान भाई ने इस ट्रैक्टर के बारे में पूछना है
तो डीलर साहब आपका नंबर और बता दो। मेरा नंबर है जी 98-129-7773। अपनी एजेंसी है जी जोन लेयर गोहाना बालाजी ट्रैक्टर्स के नाम पे, ये अपनी सोनीपत रोड पे। सोनीपत रोड पे जमींदार का और नंबर ले लेते हैं, वैसे जमींदार में पूछना हो तो इन भाई से जो पूछ सकते हैं ट्रैक्टर। मेरा नंबर है जी 94-672-33-191। 33-191 ये इस भाई का नंबर है। दिन में कॉल करके जो है आप इस ट्रैक्टर के बारे में पूछ सको। बात करें टायर साइज की, सामने वाला जो टायर है 6/50 का और पिछला जो टायर है इसका 16/9/30 का टायर इस साइज इस ट्रैक्टर के अंदर जो दिया गया है। और पीटीओ की बात करें अंकित जी, तो पीटीओ पावर कितनी जनरेट करता है ये? जैसे 63 HP का वो 57 HP का, ये 57 HP के आसपास की जो है ये पीटीओ पावर जनरेट करता है। बाकी लिखा हुआ भी दिखा देते हैं आपको, लेकिन ये जो बम्पर रखवा रखा है भाई ने उसकी जो प्लेट यहाँ पे आगे आई हुई है, दूसरी तरफ भी दिखा दें आपने। ये इस ट्रैक्टर के अंदर जो है सामने जो बैटरी और ये डीजल कूलर और ये इंटर कूलर और पीछे जो रेडिएटर की सुरक्षा के लिए आगे जो है जाली दी गई, मोटी जाली स्टेनलेस स्टील की, जिससे कोई भी मच्छर वगैरह जो भी कोई भी कचरा है वो अंदर ना जाए और जो है रेडिएटर चोक ना हो। और इस तरफ जो है आपको दिखा दें डबल बम्पर और ये इंजन की जो है ढोलकी ऊपर, ये इसकी ढोलकी, और इसके नीचे जो है 3 सिलेंडर इंजन आपका जो है आपको देखने को मिलेगा। देखो ये जो है पावर टैंक और गियर प्रो मॉडल के साथ ये ट्रैक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक जो है इसकी रेस है सारी, ये देखो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक। और ये जो है इस ट्रैक्टर के अंदर जो है स्टैंडर्ड और ये जो है इकोनॉमिकल मोड वाला जो है बटन यहाँ पे दिया गया है, ये देखो। और ये वाला जो बटन है जिसकी बात कर रहे थे कि जो है ट्रैक्टर की पीटीओ पावर के बारे में आपको पता करना है, तो यहाँ से जो पीटीओ पावर को जो है 3 सेकंड तक दबाएंगे तो सारा जो है पता लग जाएगा आपको। और ये जो है 3 और 3 साल होने की जरूरत नहीं होती, लिफ्टों का कोई कंट्रोल है जैसे ऊपर नीचे करनी है जोड़ते समय, बार बार ऊपर नीचे जो उसको जाने की जरूरत नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें इस ट्रैक्टर के अंदर दी गई। और साथ में जो है ये सिंगल पीस से जो पॉलिट्री ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने मिलेगा, अंदर जो है 2 हाइड्रोलिक जैक और 3D 6P एक तरीके से कूलिंग इस ट्रैक्टर के अंदर आती है। वैसे हमारे हिसाब से जो है ये 3D है, बाकी ऊपर नीचे से भी जो कूलिंग होती है इसके अंदर। और ये जो है इसके अंदर LED लाइटें आती हैं इस ट्रैक्टर के अंदर, ये देखो LED लाइटें और क्रोम की फिनिशिंग के साथ। ये देखो थोड़ी सफाई कम है ट्रैक्टर की, मतलब साफ नहीं कर रखा। और बाकी जो है तीनों तरफ से जो है कूलिंग अभी कंप्यूटर कूलिंग जो है ट्रैक्टर गर्म नहीं होगा। और अगर किसी किसान भाई ने इसकी ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मोबाइल नंबर आपको बताएंगे, और जो है आपको